मोहब्बत के शहर आगरा से इस सदी का सबसे कामयाब आशिक आपके सामने। नेताजी आ गए, नेताजी आ गए। मोहब्बत एक ऐसा सिन्फ नाजुक है जो दिल की बात है और दिल वाले ही समझ सकते हैं। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चिंताएं भूल जाइए, गम भूल जाइए, परेशानियां भूल जाइए और बस मेरे साथ आइए, मुस्कुराइए, ठहाके लगाइए, तालियां बजाइए और कहिए वाह भाई वाह। जिंदगी में कुछ कमाल के लोग होते हैं, जैसे तीन कमाल के लोग बैठे हुए। अरे यार, तुम जो दोनों बैठे हुए हो जिस ढंग से, मेरा ध्यान तुम्हारे जुराबों यानी मोजों पे जा रहा है। कुछ खास डिजाइन के दिखाते हुए बैठे हुए तुम दोनों। लड़कों को कब से ऐसी जरूरत पड़ गई? लड़कियां हैं जो मैचिंग के मोजे पहनती हैं। आज इस ड्रेस के साथ ये जाएगा, इस ड्रेस के साथ ये जाएगा। हम तो सूंघ के पता लगा लेते कल चलेगा कि नहीं चलेगा। है ना? जैसे मोजों से अचानक याद आ गया, हमारे क्लास में एक लड़का था, वो एक दिन एक काला और एक सफेद मोजा पहन के आया। टीचर ने कहा क्या है, काला और सफेद सेम सेम पहनना चाहिए, घर जाओ चेंज करके आओ। बोले घर पे भी सेम नहीं है सर, एक काला और एक सफेद ही है। एक चीज और याद आ गई, जैसे एक पत्नी ने पति को कहा, देखो सुने जी सर्दियां आ गई हैं, गरम मोजे चाहिए ना तुम्हें, हाँ? चलो लेके आते हैं। पति गया बेचारा, 3 घंटे बाद जब बाजार से लौटा, उसके पास 3 लेडीज कार्डिगन, 6 फीमेल स्वेटर्स, 8 लेगिंग्स और 2 शॉल थी, और साथ में एक स्टेटमेंट था बीवी का, मुझे पसंद नहीं आया, वो गली में बेचने वाला आता ना उससे ही ले लेंगे। बेचारा आदमी करे तो क्या करे, राजीव शर्मा जी क्या करे बेचारा आदमी, मोजे नहीं हो गए मतलब मातम हो गया यार। हमारे जमाने में होता था मोजों से प्यार, प्राण जाए पर मोजा ना जाए, मोजा ना जाए। 3-3 मोहल्लों तक पता चलता था कि आ रहा है। आदमी पहने तो बता तो चले, लेकिन हिंदुस्तानी आदमी कैसा होता है, हिंदुस्तानी आदमी अचानक मोजों से, मुझे एक बहुत मेरी पुरानी बात याद आ गई जो मैंने किताब में लिखी थी। मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तानी आदमी उस आदमी की तरह है जो पांव में जूते के नीचे एक फटा हुआ मोजा पहन के बैठा है और उसमें उसका अंगूठा फटा हुआ है और वो फटे हुए मोजे से अंगूठा घुमा रहा है और उसे लग रहा है ये तो किसी को नजर नहीं आ रहा। यही हाल हम लोगों का है, हम अपने आत्मा के छिद्र जो हैं वो छिपाते हैं, मिटाते नहीं हैं। अगर आप आत्मा के छिद्र छिपा लेंगे तो बाहर की चमक स्वतः ही आ जाएगी। और आज वो लोग हमारे साथ बैठे हैं जो कुछ इस तरह की बात करते हैं कि उनकी बातों से चमक आ जाती है, उनकी बातों से आंखों में तड़क आ जाती है, उनकी बातों से महक फैल जाती है चारों ओर। तो आइए परिचय करते हैं तीनों का जो हमारे साथ में बैठे। इधर बैठे हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जो इंदौर से हमारे बीच में आते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि उस कोने में जो बैठे हैं वो पहली बार टेलीविजन पे आ रहे हैं, और जब कोई पहली बार टेलीविजन पे आता है तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता। और बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत मौलिक हैं, अपने अंदाज में बात करते हैं। आगरा से हमारे बीच में आते हैं भूपी फ्रॉम यूपी, क्या बात है, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो पहली बार आए हम, स्वागत करते हैं भूपी का। और आज मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, भूपी जब आज टेलीविजन पे पहली बार वाह भाई वाह में कविता पढ़ेंगे उसके बाद इनके पास कार्यक्रमों की लाइन लग जाएगी कि भाई इसे बुलाइए, भाई क्या बात है, बड़ा कमाल के कवि हैं। और इस वक्त बड़े नर्वस हैं, लेकिन नर्वस होने की कोई आवश्यकता नहीं, भूपी ये सब मजा आनंद जीवन में वही होना चाहिए। भूपी और राजीव के बीच में खुशबू शर्मा बैठी हैं, एक चैनल के लिए न्यूज़ पढ़ती हैं, लेकिन बहुत अच्छे शेर कहती हैं, कविताएँ कहती हैं और अपने खास अंदाज से कहती हैं। हम स्वागत करते हैं खुशबू शर्मा का जो दिल्ली से हमारे बीच में। शुरुआत करते हैं, बुलाते हैं हम उस युवा को जो आएगा और छा जाएगा, भूपी फ्रॉम यूपी, जोरदार तालियों के साथ। मुझ जैसे न जाने कितने बुझे हुए चिरागों को रोशन करने वाले
श्री शैलेश लोढ़ा सर को मैं बहुत बहुत नमन वंदन करता हूँ। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं एक ऐसा इंसान जो बस में जाने के लिए भी सोचता हूँ उसको सर ने फ्लाइट में मुझे यहाँ पे बुलाया। तो मैं और जैसे ही फ्लाइट में आए एयर होस्टेस ने कहा तुम बसी में आया करो। ख्वाहिशों के शहर मुंबई में मोहब्बत के शहर आगरा से इस सदी का सबसे कामयाब आशिक आपके सामने। हाय हाय वाह वाह। आगरा के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो चीजें मशहूर हैं और दो ही तरीके के लोग मशहूर हैं। यहाँ पे दो चीजें क्या मशहूर हैं? एक तो यहाँ के ऑटो और एक दारू। अच्छा, दारू मशहूर है? दारू मशहूर, दारू वाले मशहूर हैं सर। अच्छा, क्योंकि दो ही काम करते हैं हमारे आगरा के लोग, या तो घूमते हैं या झूमते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे झूमते हैं और कैसे घूमते हैं। पहले नशे से शुरू करते हैं। हाँ। तो नशा कमजर्फ कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। नशा कमजर्फ, नशा कमजर्फ, कमजर्फ कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। उसने पीने की कसम दे दी, मैंने खानी शुरू कर दी। अरे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। हाँ, अभी पीने की कसम दी है, खाने की थोड़ी है। अब मैं दारू खाता हूँ। अच्छा वाह, अब देखो ये कसम। अच्छा, हमारे शाम को आगरा में आप जाएंगे तो ज्यादातर लोग मौसम विभाग में मिलेंगे। अच्छा जी, पैर कहीं होंगे वो कहीं होंगे। और अंग्रेजी और बोलते हैं पीने के बाद। तो मैंने तो कल देखा एक बंदा दारू पी के आ रहा, कुत्ते को अंग्रेजी में भगा रहा है, इंग्लिश में। अच्छा। कैसे भगा रहा है? कमिंग 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 कमिंग। बहुत अच्छे। मैं पता नहीं भाई चाहता क्या, कमिंग कमिंग। अच्छा, कुत्ता भी आगरा का तो वो भी नहीं गया पूंछ उठा के मुंह उठा के उसी की तरफ। करा चला गया तो अनपढ़ समझेगा। चला गया तो अनपढ़ समझेगा, वाह। अच्छा, ऐसा नहीं है सब लोग पिटते अपने घर जाके। एक दिन मैं गया, मेरे पापा ने मुझसे कुछ भी नहीं कही, बोले जाके सो जा। अब मैं सो गया, सुबह उठा, मेरी आंख खुली तो मेरी मम्मी मेरे पापा को धमका रही है। कह रही तुमने तो बच्चे बिगाड़ दिए, कोई कंट्रोल ही नहीं है, कितने बिगड़ गए, सर पे चढ़ गए, हाथ से निकल गए। पापा बोले बात क्या है, बात तो बताओ। कह रही तुम्हें नहीं पता वो कल शाम को कितनी पी के आया था, कितना नशे में था, कितना लड़खड़ा रहा था, कितना हिल रहा था, और आपने उससे कुछ भी नहीं कही। तो पापा बोले अच्छा तो वो हिल रहा था। बहुत बढ़िया। कह रहे यार दो पैक तो मैंने लगाए थे, मैं कह रहा अगला तो सीधा खड़ा है, मेरे कुत्ते फेल हैं। अच्छा, जैसे ही सर का वो मिला मुझे, कि पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ, और मैं रात भर जगा रहा घर के बाहर बैठ के। सर्दी का मौसम है, मुझे हल्की सी सर्दी लगी, कोल्ड फील हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। मैं डॉक्टर साहब सर्दी लग रही है, कोल्ड महसूस हो रहा है, दवा दे दो, कितने पैसे लोगे? बोला 500 रुपए। मैं यार सही से लगा ले, 100 रुपए में तो क्वार्टर ही आ रहा है। भाई वो भी बहुत बढ़िया। मैंने सर स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इस सदी का सबसे कामयाब आशिक हूँ। जी जी। तो उसके लिए अगर आप अलाउ करें तो मैं एक मुतफरिक अशार आपके सामने रखना चाहता हूँ। आशिकों को अलाउ करने की क्या जरूरत है, सुनाइए। उसने कहा था रुक आती हूँ अभी। उसने कहा था रुक आती हूँ अभी। उसने कहा था रुक आती हूँ अभी, बस उसी मोड़ पर जिंदगी गुजर गई। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मोहब्बत के ऊपर, अपना किरदार के ऊपर, कि मेरी बर्बादियों को हिकारत से देखने वाले। हिकारत मतलब नफरत। मेरी बर्बादियों को हिकारत से देखने वाले, जा एक शख्स ढूंढ ला
जो मोहब्बत में कामयाब हुआ। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे गुप्पी, क्या बात है, वाह। ये देखो गुप्पी, यार तुम, मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकता, तुम सबसे ज्यादा खुशी मुझे देते हो। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब ये नई प्रतिभाएं आगे बढ़ती है। यू गिव मी लाइफ, यू गिव मी हैप्पीनेस, यू गिव मी पर्पस। आप मुझे एक उद्देश्य देते हो कि कितनी नई प्रतिभाओं को आगे आके इसी तरह से छा जाना चाहिए। आप मुझे खुशी देते हो कि हम जिंदगी में कुछ तो ठीक कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद रूपी यहाँ आने के लिए, क्या बात है, बहुत खूब। और आइए बुलाते हैं उनको, सर 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 राजीव शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले मैं आदरणीय शैलेश भाई और शेमारू के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने राष्ट्र की नवोदित काव्य प्रतिभाओं को इतना बड़ा मंच देकर वाकई पुण्य का काम किया है। ये पुण्य का काम है। मेरी कविता का शीर्षक है शिक्षक दिवस बनाम शिक्षक पंचमी। अच्छा, शिक्षक पंचमी। दरअसल जो व्यवहार होता है शैलेश भाई, उस संदर्भ में ये हास्य और व्यंग है, इसलिए ये एक शीर्षक देने के लिए मजबूर हुआ है। पिछले दिनों एक सरकारी विद्यालय सजवाया गया जहां शिक्षक दिवस मनवाया गया। मनवाया गया, वाह। लाउडस्पीकर पर जोर जोर से बज रहा था कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, जहां पे ऐसी तैसी हो गई शिक्षा के मचान की। चंदे मातरम, चंदे मातरम, चंदे मातरम, वाह वाह, बहुत बढ़िया। तभी शैलेश भाई अचानक स्कूल में खुशियों के बादल छा गए। विद्यार्थी चीखने लगे, चिल्लाने लगे, नेताजी आ गए, नेताजी आ गए। स्कूल के सारे बच्चे तालियां बजा रहे थे क्योंकि स्कूल के एक दादा नेताजी की गर्दन सजा रहे थे। मंच पर जाकर नेताजी ने बड़ी तरकीब से अपना मुंह खोला और बहुत सोच समझकर ये बोला, भाइयों और उनकी बहनों। अच्छा, भाइयों और उनकी बहनों, भारत माताओं के गहनों। अब जैसे ही शैलेश भाई उन्होंने बोला भारत माताओं के गहनों, तो नेताजी कुर्ता पहन के आए थे, लंबा कुर्ता था, घुटने के नीचे नीचे तक कुर्ता था, पायजामा पहना हुआ था। दुर्घटना हो गई, एक दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, नेताजी ने वो जो पायजामा पहना था उसका नारा टूट गया। अरे, नारा टूट गया तो पायजामा नीचे चले गया, मगर नेताजी ने बात को किस अंदाज में बदला। कविता की भाषा में यदि मैं कहूं तो हिंदी की कविता की भाषा में बात बदलने की इस प्रक्रिया को त्वरा कहते हैं, उर्दू में हाजिर जवाबी कहते हैं, अंग्रेजी में आर्टलेस आर्ट ऑफ रिपार्टी कहते हैं, संस्कृत में प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं, और शैलेश भाई की भाषा में उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। तो नेताजी ने अपनी बात को बदला। नेताजी का पायजामा जैसे ही नारा टूटा नीचे गया तो नेताजी ने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि मेरे देश की विकास दर बहुत नीचे गिर गई है। पायजामा पकड़ लिया शैलेश, मेरे देश की विकास दर बहुत नीचे गिर गई है, हमें इसे ऊपर उठाना है, ऊपर उठाना है और ऊपर उठाना है, तथा राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांध देना है। तो भाइयों और उनकी बहनों, भारत माताओं के गहनों, नेताजी ने कहा कि शांति के साथ रहने में कितना आनंद है, इसीलिए तो मुझे शांति बेहद पसंद है। यह सुनते ही स्कूल की एक खिड़की अचानक खुली और उसमें से शांति नाम की चपरासीन मुंडी बाहर निकालकर बोली कि अबे जाजारे फटीचर नेता, तुझ पे तो मेरी जूती भी नहीं मरती, सारा स्कूल जानता है कि शांति भूप भाई से प्यार करती है। सारा स्कूल जानता है कि शांति भूप भैया से प्यार करती है। तब नेताजी ने कहा, अक्सर शैलेश भाई 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है, बरसात का मौसम होता है, पानी आ जाता है, बच्चे भीग जाते हैं, तो तब नेताजी ने कहा कि ये बच्चे
बारिश में भीगने के कारण ठंड से कांप रहे हैं, लेकिन हम भी ठंड फैलाने वाले विरोधी दलों को भांप रहे हैं। अब हर पक्ष के नेता को विपक्ष के नेता में और विपक्ष के नेता को पक्ष के नेता में शैलेश भाई विरोधी दलों का हाथ नजर आता है। कहीं बीमार हो जाए, कहीं ज्वालामुखी आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, नेता कहता है इसमें विरोधी दल का हाथ है। अब नेताजी का पीए दौड़ते दौड़ते उनके पास आया और कहा, नेताजी बधाई हो, बधाई हो, आपकी बीवी ने मैटरनिटी होम में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। अब आदत आदत के मुताबिक उन्होंने तुरंत बोल दिया इसमें विरोधी दल का हाथ है। शैलेश भाई, पक्ष का नेता विपक्ष के नेता के लिए और विपक्ष का नेता पक्ष के नेता के लिए ये सोचता है कि ये जो विपक्षी नेता है ना, ये वो है जो अंतस्त का बहरा होता है, मन का गूंगा होता है, भावना का लंगड़ा होता है, कल्पना का लूला होता है, व्यवहार का अंधा होता है, आचार का क्षयी होता है, वाणी में सुधारवादी, भाषण में प्रगतिवादी, पहनावे में खादीवादी और आचरण से सामंतवादी होता है। वाह वाह वाह। तो नेताजी ने कहा, ये बच्चे ठंड से कांप रहे हैं, लेकिन हम भी ठंड फैलाने वाले विरोधी दलों को भांप रहे हैं। इस ठंड के निदान हेतु विधानसभा के अगले सत्र में एक आवश्यक आयोग बैठाया जाएगा और अगले साल से शिक्षक दिवस 5 सितंबर की जगह 5 मार्च को मनाया जाएगा। क्या बात है? और अगले साल से शिक्षक दिवस 5 सितंबर की जगह 5 मार्च को मनाया जाएगा। और शैलेश भाई, आखिरी 4 पंक्ति कविता के मकसद को लेकर, क्योंकि जो कविता किसी उद्देश्य को प्रकट नहीं करे वो समुचित और संपूर्ण कविता नहीं है, कि वो शिक्षक जिसने सतयुग में कृण्व बनकर दुनिया को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दिया, वो शिक्षक जिसने त्रेता युग में वशिष्ठ और विश्वामित्र बनकर दुनिया को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दिया, वो शिक्षक जिसने द्वापर में शांतिपनी बनकर भारत वर्ष को गीता ज्ञान प्रदाता श्री कृष्ण दिया, वो शिक्षक जिसने 18वीं सदी में रामकृष्ण परमहंस बनकर दुनिया को नर शार्दुल सदृश सन्यासी स्वामी विवेकानंद दिया, और वो शिक्षक जिसने पिछली सदी में सुब्रमण्यम बनकर भारत को एपीजे कलाम दिया, वो शिक्षक आज मजबूर है, वो शिक्षक आज मजबूर है, मजलूम है, बेचारा है, एक हाथ में दोना पत्तल और दूसरे हाथ में झारा है। अरे विश्व गुरु भारत का गुरु ही बेबस बिना सहारा है, बीबी बच्चे तक कह देते तू तो किस्मत का मारा है, और फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। शैलेश भाई, यदि हम शिक्षक को गिराएंगे तो फिर आप ही बताएं हम भारत वर्ष को कैसे महान बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बढ़िया राजीव शर्मा, क्या बात है, तुमने एक बहुत श्रेष्ठ कविता सुनाई और एक जरूरी कविता सुनाई। निश्चित तौर पे जो कविता हास्य के दृश्य उत्पन्न करके तुम जहाँ तक पहुँचे वो बहुत आवश्यक था, निश्चित तौर पे। और तुम्हारा कवि और तुम्हारा शिक्षक भी दोनों मिले जुले स्वरूप में यहाँ शामिल ही था। बीच बीच में तुम्हारा शिक्षक भी बाहर निकल आता था भाषण देने की मुद्रा में, जो बहुत अच्छा है ना, होता ही है। जैसे एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो शुरू वो शिक्षक थे, शुरू हो गए वो बैठे, कुछ नहीं बोली। लोगों को आश्चर्य के ऐसी पहली पत्नी जो कुछ नहीं बोल रही है, तो बहन जी आप क्यों बोल नहीं रही, 40 मिनट बाद एकदम चुप हो जाए। बोले 40 मिनट ही क्यों, बोले उनका इतना ही पीरियड होता है क्लास में ना, तो जितना पीरियड होता है उतना तो बोलना बड़ा आवश्यक है। भाई वाह भाई वाह, की महफिल इतनी कमाल के, लोग हमें इतने खत लिखते हैं, ईमेल करते हैं और कहते हैं कि भाई कमाल कर देते हैं आप, ये कमाल हम नहीं करते, कमाल आपकी मोहब्बत करती है, आपका प्यार करता है, क्योंकि अगर आप कविताओं से, शायरी से, अल्फाज से ऐसा प्यार नहीं करेंगे तो शायद हम ऐसे लोगों को यहाँ प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी प्यार और मोहब्बत का ये कमाल है कि हम लोग इस मुकाम पर आज यहाँ खड़े हैं, जहाँ हिंदी कविता का इकलौता शो इस ढंग से पूरी दुनिया के टेलीविजन पे आप देख लीजिए, कहीं ऐसा शो नहीं है जो कवियों को इस तरह से प्रस्तुत करता हो। तो ये इकलौता शो हम आपकी मोहब्बत की वजह से प्रस्तुत कर रहे हैं, और मोहब्बत की बात चलती है तो मोहब्बत की खुशबू भी जो है फैलते समय नहीं लगाती, तो मोहब्बत की खुशबू फैलनी चाहिए, इसलिए हम खुशबू से मोहब्बत सुनते हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ। बहुत आभार,
और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, लेकिन सबसे पहले प्रणाम आदरणीय शैलेश जी हमारे बीच हैं, जिनकी वजह से हमें ये मौका मिल पाता है कि हम तमाम जगहों से जितने कवि हैं और कवियत्री हैं आपके बीच पहुँच सकें। और अब शुरू करती हूँ, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा सिन्फ नाजुक है जो दिल की बात है और दिल वाले ही समझ सकते हैं, तो आप सबको समर्पित करती हूँ। और इश्क में कैसे कैसे मुकाम आते हैं, ये मेरी इस गजल में इन शेरों में शामिल होगा। तो सर इजाजत आपसे लेती हूँ और शुरुआत करती हूँ। मोहब्बत में, जब मोहब्बत में हम काफी आगे बढ़ते हैं, तो एक दौर ऐसा आता है जब दिल टूट जाता है, बहुत तकलीफ में हम होते हैं, तब क्या कुछ अशआर होते हैं वो प्रस्तुत करती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनेगा। आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले, आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले, लौट के आजा मुझे छोड़ के जाने वाले, जाने वाले। और इश्क में क्या होता है कि देवताओं की तरह मैंने तुझे पूजा है, देवताओं की तरह मैंने तुझे पूजा है, मेरी बर्बादी का वो जश्न मनाने वाले, आए, 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 वा, वा, वा। जाने वाले। और जब हम मोहब्बत में होते हैं तो बेपरवाह हो जाते हैं, तब क्या कहती हूँ सुनिएगा, कि गर्जनों में ये मेरी जुल्फ बिखर जाएगी, गर्जनों में ये मेरी जुल्फ बिखर जाएगी, क्या कहेंगे ये मुझे सारे जमाने वाले। शेर में क्या कहती हूँ, इश्क जब शुरू होता है और कहाँ पहुंचता है, तब ये शेर हाजिर करती हूँ, बतौर खास पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि खूने दिल से है लिखी मैंने वफाओं की किताब, इसमें एक शब्द आएगा औराक, यानी पन्ने, पेज, पृष्ठ, पढ़ती हूँ सुनिएगा। कि खूने दिल से है लिखी मैंने वफाओं की किताब, उड़ते औराक को थर से दबाने वाले, उड़ते औराक को पत्थर से दबाने वाले, आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले। और जाते जाते इश्क का ये पैगाम देकर जाती हूँ, और क्या मांगती हूँ अपने उस प्रेमी से, अपने उस दिलबर से जो मुझे छोड़कर चला गया, दिल तोड़कर चला गया, तब कहती हूँ कि जान दे देगी तेरी चाह में तेरी खुशबू, जान दे देगी तेरी चाह में तेरी खुशबू, जाके परदेश से ना लौट के आने मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस ऑडियंस का, जो जितनी खुशी इन्हें हास्य में, व्यंग में मिलती है, मोहब्बत भी ये उतनी ही मोहब्बत से सुनते हैं, क्या बात है। हर लोग, लेकिन ये बड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, जान दे दूंगी क्यों। तो जब तुम ये पढ़ रही हो कि वो मुझे छोड़ के जाने वाले और न आने वाले और पलकों पे, ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम जब पढ़ रही थी तो ये अचानक ये पंक्तियां बन गई अभी अभी, तो मैंने यूं कहा कि वो नहीं मिलता ईमान उसका है, वो नहीं मिलता ईमान उसका है, वो चाहे जो करे अरमान उसका है, वो नहीं मिलता ईमान उसका है, वो चाहे जो करे अरमान उसका है, और छोड़ के जो गया है उसे पता ही नहीं, छोड़ के जाने वाले नुकसान उसका है।
शरीफ इल्मी है। श्रीदेवी जी, अनिल कपूर जी, ओह झक्कास। अरे सनी देओल जी की तस्वीर, ये राम अवतार फिल्म थी, मुझे याद आता है ये। हाँ किसी को जाता है दिमाग में? ओ अरे असली चीज तो अब निकल के आई है। इतनी देर राजीव के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, जैसे ही शिक्षक महोदय ने मोशन देखी। हमसे खफा हैं अपने और बेगाने भी, हमसे खफा हैं अपने और बेगाने भी, हम जहर को मीठा कह नहीं पाते। वाह। हालाते मैकदा बिगड़ा है कुछ ऐसा आए साकी, जाम उन्हें दिए जाते हैं जो पी नहीं पाते। आए, आए। वाह वाह क्या बात है, वाह। जाम उन्हें दिए जाते हैं जो पी नहीं पाते, और जिंदगी की तमाम कठिनाइयां उन पे ही तारी होती है जो चाहकर भी जिंदगी जी नहीं पाते। लेकिन हम हैं जो आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखाएंगे, और जिंदगी जीने का यही तरीका, हंसिए मुस्कुराइए ठहाके लगाइए करिए, वाह भाई वाह। आइए, और वैसे जिंदगी जीने का एक तरीका और भी है कि आप यदि किसी को जानते हैं और उसके जीवन में कोई अचीवमेंट होता है तो आप उस अचीवमेंट की खुशियां मनाइए। हम जितना ध्यान हमारे कवियों का, हमारे मेहमानों का रखते हैं, उतना ऑडियंस का भी रखते हैं। हमारे ऑडियंस में से एक नवयुवती है जिसका नाम शिवानी है, और शिवानी ने एक अचीवमेंट किया है जो हम उस अचीवमेंट को यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कम ऑन शिवानी, कम आइए। और शिवानी का अचीवमेंट ये है कि वो हमारे कहने से आज इस मंच तक आई है, तो सारे देश के सामने छा जाएगी। और कुल मिलाकर बात यह है कि आज राजीव का जन्मदिन है, तो राजीव केक काटेंगे। चलिए, और जिंदगी में पहली बार मौका मिल रहा किसी लड़की को खिलाइए।